इस इवेंट्स की टाइमिंग भी कंफर्म कर दूंगी। ये सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 11:30 बजे तक चलेगा। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस इवेंट को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक हैं। तो आज देखिए, हम दिखाते हैं आपको भोपाल का नज़ारा। भोपाल में क्या घटित हो रहा है ये देखिए। आज भोपाल में ये देखिए, आप सबको तो पता ही है, न्यूज़ में भी बता रहे हैं, सब जगह बता रहे हैं, यही भोपाल में रेसिंग होने वाली है हवाई जहाज़ों की। ये मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। ये देखिए, यहाँ पे इतनी भीड़ उमड़ रही है, इतनी भीड़ उमड़ रही है, आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितना हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए, अब आएंगे यहाँ से हवाई जहाज, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे और खड़े होना भी मुश्किल है। लेकिन हमें जगह मिल गई थी यहाँ पे और सब लोग ये फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह उन्हें हमेशा अच्छा रखे और अच्छे रहें वो। पर देख के डर लगता है, मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ ये सब। तो देखिए कैसे आसमान में, मतलब कैसे आसमान में उड़ते हैं और कैसे बाइकों की तरह घुमा रहे हैं ऊपर। पायलट हैं वो लोग, मतलब अच्छे हैं, पर अपन को देखने में डर लगता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, अल्लाह ताला उन्हें उनको दराज रखे, अच्छा रखे उन्हें, ज़्यादातर पर सेहत तंदुरुस्त रहे। ये देखिए हमारी रिजू अब्बा के पास खड़ी है, आज ब्लॉग बनाने के लिए कोई नहीं है इसलिए ब्लॉग में हम देख नहीं रहे, क्योंकि ब्लॉग हम ही बना रहे हैं। तो रिजू के पास खड़ी है ये, अब्बा के पास गोद में है और हम ब्लॉग बना रहे हैं, सबको सूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए हार्ट बना दिया, ये देखो हार्ट बना दिया, हार्ट दिख रहा है आपको, हार्ट बना दिया उन्होंने ऐसे ऐसे, मतलब कलर छोड़ रहे हैं, मतलब सब सीन बता रहे हैं वो, इतना प्यारा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी की जीत हो माशाल्लाह, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। ये देखिए हवाई जहाज कैसे आसमान, एक तो धूप यहाँ पे बहुत तेज़ है, धूप बहुत तेज़ है, तो पता है आसमान में देखना तो धूप की तरफ कैसे देख सकते हैं। लोग छतों पे से खड़े हो के देख रहे हैं, 5-5, 6-6 मंजिल खड़े हैं लोग और वहाँ से छाता लगा लगा के, अभी जैसे कि हमने आपको बताया 4-5 मंजिल तो होगी मल्टी, वहाँ से लोग छाता लगा लगा के देख रहे हैं, खड़े हो के छाता लगा के देख रहे हैं। सब लोग इतने दूर दूर से जा रहे हैं। 30 तारीख को था हमारा जाने का, लेकिन हम 30 तारीख को नहीं गए गाइस, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ आएगी, पानी को छू कर निकलेगा वहाँ से हवाई जहाज, तो आवाज़ आएगी तो रिजर्व डर जाएंगी, इसलिए हम नहीं जा सकते 30 तारीख को, इसलिए हम 30 तारीख से हम पहले ही चले गए थे। तो गाइस वहाँ खड़े होने की जगह भी नहीं है इसलिए, और मतलब जब तक हम गए लेट हो गए तो बहुत कम दिखाई दे रहे थे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। देखो जा भी रहे हैं तो कितना ट्रैफिक लग रहा है। अब चलते हैं हम आगे से देखते हैं वहाँ के, कहते बड़े तालाब की तरफ, बड़े तालाब के इधर वहाँ चलते हैं, वहाँ से देखते हैं वहाँ से क्या दिखाता है। वहाँ बोट क्लब सब बंद कर दिया है वहाँ, और यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो भी बंद कर दिया अभी ये रेसिंग की वजह से। तो हम चलते हैं बड़े तालाब की तरफ, वहाँ देखते हैं कि वहाँ से दिख रहा है सही कि नहीं दिख रहा। तो आपको हम बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं आगे का ब्लॉग, देखते रहिए हमारे साथ रहे आप। ये देखो हम आगे का आपको दिखाएंगे, आगे क्या नज़ारा है, वो लोग देखने दे रहे हैं कि नहीं, वहाँ खड़े होने दे रहे हैं कि नहीं, तो देखते हैं आगे। अभी हम वहीं चल रहे हैं, वैसे बोट मोट तो ये तालाब में दिखाई नहीं दे रही क्योंकि सबों को बंद कर दिया है, सबको बंद कर दिया। तो आगे भी हमें ट्रैफिक मिला, देखो गाइस कितना ट्रैफिक। तो गाइस हम उधर जा रहे थे पर उधर जाने नहीं दे रहा है, बैनर लगे हुए हैं वहाँ पे और के कहते पुलिस वाले खड़े हैं, उन्हें उधर जाना अलाउड नहीं है। तो हम लोग चलते हैं घर पे, अब क्या कर सकते हैं, हम इतनी मेहनत से आए थे कि हम ब्लॉग पूरा बताएंगे उधर का। ये रिजा के पापा ऑटो लेकर आए थे चला के और सब लोग आए थे देखने के लिए, पर उधर नहीं जाने दे रहा है, उधर बंद कर दिया है। तो चलते हैं घर पे, क्या कर सकते हैं, घर पे चलते हैं।
लेकिन जो है जितना है जो हमने देखा है हम आपको उतना ही व्लॉग में बता रहे हैं। तो हम आ चुके हैं घर पे, ये देखिए हम हमारे घर पे नहीं गए, हम हमारी जेठानी की तरह आए थे। वो कहने लगी कि तलो यहीं पे घूम के चले जाना, वहाँ तो कुछ मिला नहीं देखने के लिए, तो हम इसलिए इधर आए थे। रिजा बहुत रो रही थी कि हम बाहर लेकर आए पार्किंग में, उन्हें उनके पेड़ पौधे लगे इधर, हम सोचे इधर चुप हो जाएंगी, तो देखते हैं चुप होती कि नहीं। नहीं बाबा, वो तो और भी रोने लगी, ये देखो वो नहीं खड़ी हो रही हैं, क्या करें। तो अंदर ले आते हैं हम रिजा को, तो ये देख के रिजा की हम बड़ी अम्मी बोल रही यहीं बैठो, हम खेल खिलौने देते हैं रिजा को खेलने के लिए। ये देखिए हम खेल खिलौने दे दिए रिजू को, ये देख नहीं तू चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये देखिए लो लो हम चला चला हम चला तीस तारीख को नहीं जाएंगे क्योंकि आवाज़ बहुत तेज आएगी, तो इसलिए कि कहते रिजा डर जाएगी। वैसे कोशिश करेंगे ब्लॉग हस्बैंड से बोलेंगे, वो बना के ले आएंगे तो हम दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन बने रहिए हमारे साथ प्लीज़, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कमेंट शेयर, अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब हम जाते हैं घर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह।